नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों मैं आपके सामने फिर पेश हो गया है बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ में। दोस्तों आज हम और आप मिलकर बनाएंगे शादी और पार्टियों में खाए जाने वाले मखाने की सब्जी। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं मखाने की सब्जी की रेसिपी। दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक कढ़ाई हम लोग चढ़ा देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग आधा चम्मच घी ले लेंगे। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, घी नहीं आपके पास तो। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब उसके बाद फिर हम लोग इसमें एक कटोरी मखाना ले लेंगे। लगभग 50 ग्राम मखाना होगा दोस्तों, ठीक है। और इसे लो फ्लेम में बिल्कुल से हम लोग इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल में रोस्ट करेंगे। इसे तब तक रोस्ट करना जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। अब सारे मखाने को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसी कढ़ाई का यूज कर लेंगे हम लोग साफ करके। देखिए दोस्तों मैंने निकाल लिया है मखाने को। अब इसमें हम लोग गर्म हो जाएगा कढ़ाई फिर से, तब इसमें हम लोग 2 से 2.5 चम्मच हम लोग कुकिंग ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल डाल का यूज़ किया मैंने, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। फिर एक तेज़पत्ता डालने के बाद में उसमें हम लोग कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ठीक है। और इसे थोड़ा चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगा उसके बाद एक बड़े साइज के प्याज की पेस्ट बना करके हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे भी हम लोग 2 से 3 मिनट तक ले बिल्कुल हम लोग इसी प्रकार से थोड़ा सॉफ्ट और कलर चेंज होने तक इसे हम लोग रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल चलाते हुए। जब ये रोस्ट हो जाए 2 से 3 मिनट में ही, उसके बाद फिर हम लोग इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग हरी मिर्च ले लेंगे और 2 चम्मच लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी हम लोग अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक ले ढक करके लो फ्लेम में इसे हम लोग पकने लगेंगे, छोड़ देंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखते हैं 2 से 3 मिनट हो चुका था, अब ये देखिए हल्का रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग बाकी सामग्रियाँ ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग एक बड़े साइज का टमाटर उसकी प्यूरी बना के डाल देंगे, साथ ही साथ इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। उसके बाद फिर 1/4 चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही साथ हम लोग 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है दोस्तों, ये इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। और इसे मिक्स करने के बाद में फिर से इसे ढक कर हम लोग 5 मिनट तक इसे हम लोग रोस्ट होने देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, तेल सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग 1/2 कप दही बिल्कुल फेटा हुआ डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा तो दही फट सकती है आपकी। और इसे अच्छे प्रकार से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। और इसे अच्छी प्रकार से हम लोग मिक्स करने के बाद में फिर से हम लोग ढक करके इसे हम लोग 5 मिनट तक ले पकने देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि 5 मिनट हो चुका है और मैंने इसे हटा दिया ढक्कन को और इसमें हम लोग ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे प्रकार से हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मिक्स करने के बाद में इसमें हम लोग उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो दोस्तों आपने अगर हमारे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूले दोस्तों। देखिए उबाल आ चुका है, अब इसमें हम लोग रोस्ट किए हुए सारे मखाने डाल देंगे, साथ ही साथ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग 1/2 चम्मच गर्म मसाला भी डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपकी रेसिपी कैसी बनी वो भी जरूर बताइएगा। और इसे डालने के बाद में अच्छी प्रकार से हम लोग मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में इसे गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 मिनट तक लिए ढक करके इसे हम लोग सेट होने देंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है, अब हम लोग ढक्कन फिर से हटा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारे शादी और पार्टी में मिलने वाले मखाने की मसालेदार सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई दोस्तों। अब हम लोग इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग लास्ट में हम लोग एक बटर का टुकड़ा डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग हरी धनिया पत्ती भी डाल करके इसके स्वाद का और इन्हेंस कर देंगे। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसे मिक्स करने के बाद में गैस के फ्लेम को हम लोग बंद कर देंगे और ढक करके इसे हम लोग थोड़ी देर तक इसके स्वाद को हम लोग सेट होने देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है मखाने की रेसिपी दोस्तों। तो आपको हमारी मखाने की रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। जब आपने बनाई आपकी रेसिपी ये रेसिपी तो कैसी बनी वो भी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में यूं ही हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक लिए नमस्कार।